मामला है अलीराजपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ननपुर का, जहां पीड़ित वीरेंद्र कनेश का, जिसका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उसके परिजन उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ननपुर लाए थे और उस वक्त वो डॉक्टर बबीता नंदुकर हॉस्पिटल में उपस्थित भी थी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर बबीता नंदुकर ने मरीज को देखने से मना कर दिया। इसके बाद जब परिजनों ने महिला डॉक्टर से मरीजों को चेक करने के लिए बोला तो डॉक्टर बबीता नंदुकुर ने चेक करने से मना कर दिया। फिर बिना मरीज को देखे ही नर्स ने मरीज को आकर इंजेक्शन लगा दिया और मरीज को जिला चिकित्सालय अलीराजपुर के लिए रेफ़र कर दिया और बाद में थाना जाकर मरीज के परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, यह बोल के कि इन लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा डाली है। अब सवाल यह उठता है कि मरीज के परिजनों का महिला डॉक्टर को चेक करने का बोलना है, क्या शासकीय कार्य में बाधा डालना कैसा हो गया? डॉक्टर बबीता नंदगुर का ऐसा व्यवहार कोई नई बात नहीं, पहले भी डॉक्टर मैडम के खराब व्यवहार का शिकार भोले भाले ग्रामीण बन चुके हैं, ऐसा ग्रामीण लोगों का कहना है और सभी ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से की है। रिपोर्ट मुस्तकिम मुगल अलीराजपुर। हम सबको शिकायत करी, किस बाबत शिकायत करी और क्या मांग है आपकी? हम लोग यहाँ पर नानपुर क्षेत्र के सब लोग हैं और वहाँ नानपुर में एक डॉक्टर हैं जो कि बबीता डॉक्टर हैं और वो क्या है कि हमारे वहाँ नानपुर के क्षेत्र के जितने भी मरीज उनके पास चेक कराने जाते हैं, चेकअप कराने जाते हैं, तो वो उनका रवैया बिना चेक करे सिस्टर को बोल देते हैं कि आप सिस्टर इन्हें इंजेक्शन लगा दीजिए और व्यवहार बहुत तरीके से ख़राब है। 2.5 सालों में उन्होंने वहाँ पर कम से कम मरीजों को चेक किया होगा अभी तक की संख्या में जब से उनका कार्यकाल हुआ। अभी 15 तारीख की घटना है, मेरा खुद का छोटा भाई को तबीयत ख़राब हुई तो वहाँ पर चेकअप करवाने के लिए हमारे साथी लोग गए और तो हमारे साथी लोग वहाँ पहुँचे तो मैडम बोला मैडम आप चेक कर लीजिए, तो बिना चेक करे हुए सिस्टर को बोल दिया आप इंजेक्शन लगा दीजिए। तो हमारे साथी लोगों ने बोला, फैमिली के लोगों घर वालों ने बोला कि मैडम आप एक बार चेक कर लीजिए, उन्हें हुआ क्या सही, नहीं आप मुझे सिखाओगे कि मैं डॉक्टर हूँ कि आप डॉक्टर हो, आप आपका काम करिए, ऐसे बदतमीजी से बात करने लगे और आरोप लगाने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ और आप मुझसे बदतमीजी से बात करें, मैं आप लोगों की FIR करवा दूँगी थानों में, ऐसी दादागिरी करने लगे और इतना डराने लगे। फिर वहाँ से हमारे साथी लोग 100 नंबर की गाड़ी से अलीराजपुर ले आए बिना रेफर किए हुए और ये पहली घटना नहीं, उससे पहले भी वो मैडम महोदय नानपुर के उससे पहले भी 3 से 4 लोगों के खिलाफ थाने में जा चुके हैं, उनका व्यवहार ऐसा ही है और इससे पहले जहाँ पर पीथमपुर में थे वहाँ पर भी ऐसे विवाद में उलझे थे, उसी कारण से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया इन लोगों का, इन मैडम का। हम ये चाहते हैं कि उनको तत्काल नानपुर क्षेत्र से हटाया जाए और हमारे साथियों के ऊपर उस मैडम ने 8:30 बजे थाने में जाकर जो FIR करवाई है उसे निरस्त किया जाए। निरस्त नहीं होती है तो सोमवार के दिन पूरे नानपुर क्षेत्र के आसपास के लोग मिलकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन धरना होगा जब तक उनकी हमारे लोगों की FIR निरस्त नहीं होती है। ये हम लोग प्रशासन शासन को चेतावनी देते हैं।